गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे आप सब? तो गाइज आप देख सकते हैं पीछे कौसा लव है और हम लोग सीधा स्ट्रेट जा रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बताने वाला, अहमद तो रहता ही हमारे साथ। तो गाइज आज हम लोग जहाँ विजिट कर रहे हैं वहाँ पर मेरे लेजेंड विजिट कर चुके हैं, यानी कि मेरे दानिश भाई दानिश जैन। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और मैं आपको वहाँ का पूरा दिखाता हूँ वो कहाँ कहाँ विजिट किए थे, और MM का आपको टूर भी करा दूंगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइज बात कुछ ऐसी है कि वो मुमरा का MM वैली पॉश इलाका है, इसलिए वहाँ पर हर एक स्लैब आते हैं, जैसे कि मुंबई में जुहू बीच या मरीन ड्राइव, तो वैसे ही मुमरा का MM वैली है। तो MM वैली आप देख सकते हैं पीछे MM लिखा है, यहाँ से MM वैली स्टार्ट होता है और यहाँ पर हर एक सेलिब्रिटी आ चुका है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर। वो सब हम कवर अप नहीं करेंगे। मेरा जो मेन है, मेरे दानिश भाई, मेरे लेजेंड दानिश जैन, वो विजिट कर चुके हैं और आपको MM का मैं टूर भी कराऊंगा। तो बने रहिए और देखते रहिए, बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है और सब दानिश जैन के ऊपर। सारे व्लॉग अच्छे ही होते भाई के। हाँ, और दानिश जैन मिस यू भाई, तो देखते रहिए। मत देखो मालूम, जब दानिश जैन आए थे ना, तो उस टाइम पे ना वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी कि वो यहाँ पर रुक नहीं पाए थे। मैंने ऐसा वीडियो पे देखा, अगर मैं उस टाइम पे होता तो काश मैं ज़रूर दानिश जैन से मिलने आता, और काश मैं एक बार मिल लेता, पर मैं मिल नहीं पाया उनसे। पर मैं, वो मेरे दिल में गाइस, मतलब वो हम हार्ट सबके इंस्पिरेशन है। मैं खुद उनको ज़्यादा फॉलो करता हूं, बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते गाइस। और वो एक वन मैन शो थे गाइस, उनके तरह हम बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम दुआ करेंगे हम उनसे भी अच्छे बने, लेकिन हम बन नहीं पाएंगे गाइस। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता गाइस। गाइस ये पूरा MM वैली है, यहाँ पर स्काई स्क्रीपर सब बिल्डिंग्स है, और सचिन तेंदुलकर भी आए थे यहाँ पर आए थे मेरे ख्याल से। अहमद इधर आए थे, ये वाली स्कूल में आए थे, हाँ स्टेडियम में भी गए थे, और स्टेडियम है यहाँ पर। ये स्टेडियम तो बंद है कोविड की वजह से, तो अभी आगे आप देखते रहिए और बने रहिए। MM के बीच यानी हार्ट पे पहुंच चुके, पीछे MM वाली स्टेडियम है जो कि बंद है कोविड के वजह से। तो गाइज वो भी आपको अगले व्लॉग में कभी ना कभी कोई से भी व्लॉग में मैं दिखा दूंगा। बनाएंगे गाइज, बनाएंगे जरूर, मैं बनाऊंगा गाइज, ठीक है तू बना ले गाइज। अभी दानिश जैन पता नहीं MM पे विजिट किए थे, मैंने जितने भी वीडियोज देखे उस टाइम पे मैं था नहीं, तो मुझे इतना पर्टिकुलर मालूम नहीं है, पर दानिश जैन यहीं आए थे। ये पूरा MM वैली का हार्ट है, मतलब MM वैली है, तो आप देख लीजिए और देखते रहिए आगे व्लॉग आपका MM के बारे में बताऊंगा। यहाँ सब एक्सरसाइज करने आते, तो देखते रहिए गाइज। MM पे देख लीजिए, बड़े बड़े स्काई स्क्रीपर्स टाइप बिल्डिंग है, सुकून हाइट हो गया, ग्रे स्क्वायर हो गया, ऐसे लाइन से है। और अभी आगे चलते, आपको आगे दिखाता हूँ क्या बोल रहा है। हाँ गाइस देखिए एक्सरसाइज चालू है सबकी। MM वैली और मित्तल के बीच का एरिया है, और यहाँ पर एकदम सन्नाटा रहता है, इसलिए गाइस यहाँ पर आके एक्सरसाइज करते लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जैसे रीलर्स लोग आके रील्स भी बनाते हैं, और एक्सरसाइज देखिए लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं आगे, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मुझे और करीब जाना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप दानिश जैन के फैन हैं, इन लोग सब स्टेडियम में वर्कआउट करते थे, मगर एक्चुअली स्टेडियम लोग कोविड की वजह से बंद थे, इस वजह से इधर एक्सरसाइज। और अगर गाइज मुमरा वाले अगर जितने भी आप दानिश जैन के फैन है, तो दानिश जैन एक्सरसाइज को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे और वो ये सब इन्वॉल्व थे, तो यहाँ के एक्सरसाइज करिए और दानिश जैन को याद करिए। साइकिल पे एक लड़का आ रहा है, बार बार मुझे घूरते हुए जा रहा है, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या बोलता ब्रो? सो गाइज पीछे देख लीजिए सुकून हाइट है, और यहाँ पर सब एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिए, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा क्योंकि आगे। तो अहमद शॉर्ट्स पहन के आया है और अच्छा खासा पहन गया, शूज़ भी पहना, पर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो खाली घूमना है और चॉकलेट पे चॉकलेट खा चुका है। अच्छा ठीक है, नहीं खा तो कर जल्दी एक्सरसाइज करके बता, जल्दी जा कुछ जाना, रनिंग करना। वो तो पागल है, एक्सरसाइज करने भाग गया है, अब अपन आराम से बात करेंगे। पीछे सुकून हाइट है और अहमद एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। तो ब्लॉग को आप बड़ा नहीं करते, आप देख सकते हैं, आपको एक टूर करा रहा हूँ 360 आप देख लीजिए। सो गाइज ब्लॉग को अब एंड करते हैं, और लास्ट में मैं आपको कुछ बोलने वाला, तो आप बने रहिए और देखते रहिए। सो गाइज वी मिस यू दानिश जैन फैम ब्रो, बोल ले तो फैम ब्रो।